प्रदेश के नए बदलाव की कहानी, यही प्रदेश था। 7 वर्ष पहले क्या स्थिति थी, कोई आना नहीं चाहता, कोई यूपी की तरफ देख के नहीं आता था, और यूपी के जवानों की, नौजवानों की स्थिति भी ये थी कि वह यूपी घर जाकर के अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। पुलिस लाइन जनपद कब बने थे, लेकिन पुलिस लाइन आज तक हो पाई। अब याद करिए, किसी व्यक्ति को खड़ा कर दो और उसकी आत्मा को निकाल दो तो क्या वह मनुष्य कहलाएगा? जैसे वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होगा, ऐसे ही यूपी की पुलिस को बना दिया गया था। जनपद बना दिए गए, पुलिस तैनात कर दी गई, लेकिन जो उसकी आत्मा होनी चाहिए, पुलिस की आत्मा जनपद के अंदर उसकी पुलिस लाइन में होती है, पुलिस लाइन ही गायब है, पुलिस लाइन ही बनी है। पहली बार हम लोग 4 जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के कार्यक्रम को एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। अमेठी में प्रारंभ कर चुके हैं और हापुड़ की प्रक्रिया को भी बहुत शीघ्र हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी से बढ़ा रहे हैं। यह एक नई कार्य संस्कृति जो पहले से बनी हुई पुलिस लाइन है। आज आप किसी भी जनपद में चले जाइए, जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनको छोड़ दें, तो शेष अन्य जनपदों में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी उस जनपद मुख्यालय के पास, तो वह पुलिस लाइन में होगी, और पुलिस लाइन में पुलिस बैरेक की होगी, पुलिस के हॉस्टल की होगी। इससे पहले यही लखनऊ की पुलिस लाइन में जब मैंने पुलिस बैरक को देखा था एक दिन अचानक दिन में करके, उसी में पुलिस कार्मिक सोया हुआ, टूटी हुई पलंग थी, आसमान दिखाई दे रहा था, पूरी छत टूटी हुई थी, एस्बेस्टस की सीट थी, और उसी में वो लेटा हुआ था। यानी दिन भर ड्यूटी करे या रात्रि ड्यूटी करे और जब आए तो हॉस्टल में या बैरक में आता तो सोने के लिए भी उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, आराम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ये हालात थे 2017 के पहले, और आज मैं कह सकता हूं हर जनपद की पुलिस लाइन में, हर थाने में हम लोगों ने या तो हाई राइज बिल्डिंग बना करके हॉस्टल उपलब्ध करा दिया है या निर्माणाधीन है, या फिर हर थाना क्षेत्र में भी हम लोगों ने हॉस्टल और पुलिस बैरक की व्यवस्था बना करके अत्याधुनिक सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई है। जवान है, 8 से लेकर के 12 घंटे, कभी कभी 24 घंटे उसको ड्यूटी करनी होती है, उसकी बुनियादी सुविधाओं की, आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी। और इस दिश से जितना पैसा लगा, अकेले यूपी पुलिस को पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 18 से 20 हजार करोड़ रुपए केवल अवस्थापना सुविधा के लिए उपलब्ध कराए हैं। ये पैसा पुलिस लाइन के लिए, थानों के निर्माण के लिए, बैरक के लिए और हर प्रकार की सुविधा के लिए उपलब्ध हो सके, यह पैसा उपलब्ध करवाया गया बिना किसी संकोच के उपलब्ध करवाया गया। और आज मुझे प्रसन्नता है, जब मैं जाता हूं किसी भी जिले में, मैंने पहले भी कहा कि किसी बड़े जनपद में हम जाते हैं तो मानते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां हाई राइज बिल्डिंग होगी, लेकिन बी ग्रेड की या सी ग्रेड की जो हमारी सिटी है वहां पर सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का मतलब यूपी पुलिस की वह बिल्डिंग ही यूपी पुलिस के कार्मिकों की बैरक या उनका हॉस्टल होगा। और यह व्यवस्था हम लोगों ने हर जनपद में तैयार कर दी है। अब यूपी पुलिस भी कह सकते कि दुनिया के पास, दुनिया के प्रदेश के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हम सब कुछ सामर्थ्य रखते हैं।
हमारे सामने चैलेंज था, एक कर्फ्यू ग्रस्त प्रदेश, इस दंगा ग्रस्त प्रदेश को, माफियाओं से पूरी तरह त्रस्त प्रदेश को, जहां पे न व्यापारी सुरक्षित थी न बेटी सुरक्षित थी, जिस प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, उस प्रदेश को मैं कोई आना नहीं चाहता। कहां से नौकरी आएगी, कहां से विकास होगा? आबादी में देश का नंबर प्रदेश, लेकिन अर्थव्यवस्था में छठे सातवें नंबर पर भी हमारी गिनती नहीं होगी। हर एक सेक्टर में पीछा, देश के अंदर देश के विकास में ब्रेकर के रूप में वो यूपी को माना जाता था। स्थिति क्या थी? यूपी का नौजवान यूपी के बाहर जाता था और उस समय नाम सुनते ही लोग उसको वहां से बाहर कर देते थे, पहचान छुपाने का जरूर होता था। आज मैं कह सकता हूं कि यूपी का नौजवान देश के अंदर कहीं भी जाएगा, उसको पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब वो कहता कि मैं यूपी से हूं, तो सामने वाले बैठने के चेहरे पर भी चमक उठती है, दिखती है कि हां ये यूपी का है। यूपी भारत का हृदय स्थल, यूपी देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारने वाला राज्य और देश के अंदर सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ प्रदेश, देश के अंदर सर्वाधिक पर्यटकों को अपनी ओर सुरक्षित करने वाला प्रदेश, देश के अंदर सबसे अधिक आर्थिक प्रगति के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश, सबसे अधिक निवेश लाने वाला प्रदेश और सबसे अधिक निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने वाला प्रदेश आज यूपी बन चुका है। इसमें यूपी पुलिस की बड़ी भूमिका रही यूपी के इस प्रदर्शन को सुधारने के लिए और यूपी के उस प्रदेश के प्रसेप्शन को सुधारने के लिए यूपी पुलिस ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। सचमुच हम मानते हैं पुलिस के खिलाफ लोगों के मुंह से पहले शब्द निकलते हैं, कारण है क्योंकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड होगा उसके पास शिकायतें आएंगी, शिकायत के समाधान के लिए मैकेनिज्म अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जिसके पास व्यक्ति पहले जाएगा उससे शिकायत भी होगी। इस दौरान काफी कुछ किया गया, हम लोगों ने 1,60,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की ही बढ़ी, 1.5 लाख के आसपास पुलिस कार्मिकों को प्रमोशन भी दिया। याद करिए कब से प्रमोशन नहीं हो पाए थे और प्रमोशन की भी जो स्थिति चूस था, पसंद है तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे, मेरिट कहीं नहीं। ऐसे ही अन्य प्रकार के भेदभाव हुए, उन सब से अलग एक पूरी पारदर्शी और सुशासनपूर्ण तरीके से पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया। यूपी पहला राज्य है जिसने इतने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, वे सभी कार्य कर रहे हैं, फील्ड में आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हर एक स्तर पर की गई पुलिस की भर्ती के साथ ही यह व्यवस्था भी की गई, हर जनपद से उत्तर प्रदेश जवान उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए और भर्ती की क्रिया को हम लोगों ने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग की क्षमता को भी हम 3 गुना किया। 1947 से पहले यानी यूपी पुलिस के गठन के पहले से लेकर 2017 तक जितनी हमारी क्षमता थी, आज हमें हमारे पास उससे 3 गुना क्षमता है पुलिस ट्रेनिंग की। और कुछ ही समय के अंदर हर जनपद में हर पीएसी पानी के अंदर हम लोग ट्रेनिंग की एक अतिरिक्त क्षमता विकसित करेंगे, तब यूपी अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के अंदर की अन्य राज्यों के भी और पैरामिलिट्री के लिए भी ट्रेनिंग की क्षमता अपने पास तैयार करके रखेगा। तो अगर किसी ट्रेनिंग लेनी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करिए। ये सरकारें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर की, बहुत सारी चीजें हुई, पीएससी की चंद कंपनियां समाप्त कर दी गई थी, उनके पुनर्गठन की कार्रवाई को पूरा किया, पुलिस के अंदर एसटीआरएफ, यूपी के अंदर एसटीआरएफ की गठन किया,
जोनल और रेंज स्तर पर वहां पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की, यूपी के अंदर अपना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जो गत वर्ष से ही कार्य करना प्रारंभ कर चुका है, और पीएसी की नई वाहनियों के गठन के साथ साथ एसएसएफ का गठन भी यूपी ने किया है, सफलतापूर्वक किया। इस समय अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा का दायित्व उत्तर प्रदेश एसएसएफ ही उठा रही है और वही इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा हो या मेट्रो की सुरक्षा, यह दायित्व भी यूपी पुलिस उठा रही है। ये सवेरे करने के साथ समय की चुनौती को हमेशा ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं, और आज इसी में यह संभवतः देश का पहला राज्य होगा आज के बाद जिसके पास अपने सभी 75 जनपदों में साइबर थाने होंगे, और यूपी के सभी 75 जनपदों के 75 साइबर थानों का शुभारंभ, जिनमें 18 को हम पहले प्रारंभ कर चुके थे, शेष 57 का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए यूपी पुलिस को मैं हृदय से बधाई देता हूं। सभी 1523 थाने जो यूपी के अंदर हैं, इनमें साइबर सेल की स्थापना भी, अब कोई व्यक्ति साइबर क्राइम की चपेट में आएगा तो उसको कमिश्नरी मुख्यालय, रेंज मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा, कमिश्नरी मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जहां पर जिस थाने में जाए वहां पर साइबर सेल होगी, उसकी विवेचना के लिए साइबर थाना होगा। ये सभी कार्य हर व्यक्ति को उस गंतव्य में ही ये सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, हो जाएगी, और जहां भी उसका नजदीक केंद्र का स्टेशन होगा वहीं पे सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हम लोग कर दे। यह एक बड़ी उपलब्धि है, और इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा पुलिस के अंदर बहुत सारे अन्य कार्य हो रहे हैं, जिनमें 21 पुलिस थाना, 2 पुलिस लाइन, 2 पीएसी वाहनी, 2 यूपी एसएसएफ और 33 स्थानों पर मेडिकल कक्ष के निर्माण के शिलान्यास का क्रम भी आज प्रारंभ हो रहा है। आप सोचिए, पीए यानी पुलिस लाइन, पुलिस जनपद का गठन बताने का हो गया, लेकिन अब शिलान्यास हम कर रहे हैं, शिलान्यास आज हो रहा है। यूपी पीएससी पहले की सरकारें समाप्त कर रही, दंगा कैसे समाप्त होता है, जब दंगियों को ये लोग अपने गले का हार बनाएंगे। आज क्योंकि दंगों के लिए काल है यूपी पुलिस, दंगाइयों का काल है, यानी कह सकते हैं कि उनके लिए यमराज बनकर के टूट पड़ती है यूपी पीएससी, और उसको ही ये लोग समाप्त कर देते थे, यानी पीएससी को ही समाप्त कर दिया। 54 कंपनियां समाप्त की गई, मुझे प्रसन्नता है आज उन्हें यूपी के अंदर फिर से गठन करने के साथ साथ नई वाहनियों का गठन का कार्य भी संपन्न, पीएसी की नई वाहनियां गठित होंगी, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी हम गठन कर रहे हैं और उसके भी शिलान्यास का कार्य हो रहा है, साथ साथ पुलिस थानों में मेडिकल कक्ष के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही 3 थाना के प्रशासनिक भवन का, 6 थानों का आवासीय भवन का, 3 पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन का, 56 पुलिस थानों पर हॉस्टल और बैरक के विवेचना कक्ष, 6 पुलिस लाइन में पुरुष हॉस्टल का, 5 एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय और 7 अन्य जिसमें एसटीएफ के भी हैं और अन्य हैं, इनकी स्थापना जो सुविधाएं वहां विकसित की गई हैं, इन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। 18 भ्रष्टाचार निवारण संगठनों का भी आज यहां पे शुभारंभ हो रहा है, और प्रयागराज और कुशीनगर में पर्यटन थानों का भी आज हम लोग यहां पे शुभारंभ करने जा रहे हैं। इन सब यूपी पुलिस को बहुत बहुत बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमें समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि यह आज की अवस्था है। देखिए, अगर हम थोड़ी भी ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं, अपराध किसी भी प्रकार का होगा, हमें लोकतंत्र में डायलॉग को पहले
महत्व देना होगा। हेलो, जिसके बारे में वित्त मंत्री ने भी आपके सामने अपनी बात कही, अगर हम संवाद का उपयोग कर रहे हैं तो कॉमन मैन से भी समस्या का समाधान हो जाता है। ये जो साइबर थाने बनाए जा रहे हैं, ये कॉमन मैन को यही सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, जिस भी थाने में जाएंगे वहां साइबर हेल्प डेस्क उनकी मदद के लिए तैयार होगा। जैसे महिलाओं के लिए हम लोगों ने पिंक बूथ बनाए हैं, हर थाने में एक महिला कक्ष भी आरक्षित किया है, जो महिला आएगी उसकी समस्या का समाधान उसी थाने में होगा, महिला पुलिस कार्मिक वहां मौजूद होगी। जैसे महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती हर बीट स्तर पर महिलाओं के साथ संवाद बनाने के लिए किया गया है, ऐसी कॉमन मैन की समस्या के समाधान करने के लिए डायलॉग को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और डायलॉग के माध्यम से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और उस डायलॉग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास हमारा प्रारंभ होना ही चाहिए। हम सभ्य समाज में रहते हैं, हमारी जीरो टॉलरेंस समाज विरोधी राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए पेशेवर माफिया अपराधियों के प्रति होनी चाहिए। कॉमन मैन के लिए हमें उतना ही संवेदनशील और त्वरित न्याय देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं उसी का परिणाम है आज प्रदेश के अंदर प्रदेश की एक नई छवि बनी है। इस नई छवि का परिणाम क्या है? जिस यूपी में पहले निवेश नहीं आता था, आज जिसको कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ करके यहाँ पर लक्ष्मी का आशीर्वाद बरस रहा है, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव यूपी में आए, 40 लाख करोड़, जिसमें से अभी 24 हजार करोड़ का हमने प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया एक दिन में। आप सोचिए 10 लाख 24 हजार रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धराधल पर उतरे हैं, इससे 35 लाख नौजवानों को सीधे नौकरी मिलेगी। याद करिए, पहले नौकरी मिलती नहीं थी, भाई भतीजे बात की भेंट चढ़ जाती थी, और अब नौकरी इतनी आएंगी कि यूपी के नौजवान ही नहीं बल्कि देश का नौजवान भी यहां आकर नौकरी प्राप्त करेगा और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। पहले यूपी में कोई भय के मारे नहीं आता था, गत वर्ष अकेले यूपी में 33 करोड़ टूरिस्ट आया था, और इस बार बढ़ करके जिस प्रकार की स्थिति है, मैं एक महीने का देख रहा था, ये अकेले अयोध्या में एक महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने वहां दर्शन किया। 65 लाख श्रद्धालुओं, ये चीजें क्या दिखाती है? जब हम अवसर दे, 65 लाख श्रद्धालु नहीं है वहां पे आ रहा था कि मंदिर में इतना चढ़ा हुआ है, मंदिर में ठीक है 25 करोड़ का चढ़ावा आया है, और ये केवल एक अभी राम जन्मभूमि की हम बात कर रहे हैं, हनुमान गढ़ी का अलग है, भवन का अलग है, अलग अलग आश्रमों का अलग होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा वहां बिजनेस बढ़ा है। आप जिस भी व्यापारी से वहां पूछेंगे, किसी का 25 गुना, किसी का 50 गुना, किसी का 60 गुना, किसी का 100 गुना बिजनेस बढ़ा है। होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, छोटे अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं विकसित हुई हैं। इसमें भी हजारों लोगों को रोजगार मिले हैं, नए अवसर मिले हैं। मुझे याद है जब अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन ले रहे थे, विरोध शुरू हुआ था, राजनीति शुरू हुई थी, और आज जहां जमीन लेके हमने 4 लेन बना ली है, फुटपाथ भी दे दिया है, आज वहां पे जो और पहले विरोध करते, अब कहते हैं साहब हम भी अपनी और लैंड देना चाहते थे, और भी ले लीजिए हम देंगे, ये तो विकास का अच्छा दिख रहा है। चेंज, विश्वास, ये विश्वास है, जिस विश्वास के बल पर हम लोगों ने अयोध्या को सारा है, सजाया है, और इसमें भी प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उनका विजन था, इसको जमीनी धरातल पर उतारा है, आज परिणाम हमारे सामने है। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में सम्मान यूपी का बढ़ता है, देगा यूपी में आएगा तो स्वाभाविक रूप से सिटी अयोध्या की होगी, लेकिन अंत तो पूरे यूपी का बढ़ रहा है,
जो आ रहा है खुश होकर जा रहा है कि हमने दर्शन कर लिए, सुरक्षित कर लिए। पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा है, पुलिस का व्यवहार अच्छा। भाई वही बात आप किसी व्यक्ति से कहते हैं, अगर गाली गलौज साथ कहेंगे मैसेज खराब करेगा, लेकिन वही बात प्यार से आपने उसको बता दिया कि भैया इस रास्ते से चलो, ऐसे जाना है, ऐसे करना है। प्यार से भी अगर आप बोलेंगे तो यूनिफॉर्म में रह करके प्यार से अगर आपने उससे बात कर ली तो और भी प्रभावित होगा। अपराधी के प्रति आपका व्यवहार दूसरा हो सकता है, लेकिन एक कॉमन मैन के प्रति, एक श्रद्धालु के प्रति, बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए तो अतिथि देवो भव के साथ होना ही चाहिए। और यह यूपी पुलिस ने बकायदा इसका पहले भी इस प्रकार का, मैं देखता था जब 2019 में जनवरी 19 में प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में हुआ था, तब भी यूपी पुलिस के व्यवहार से हर व्यक्ति अभिभूत था। यानी उस समय लगभग 72-74 देशों से लोग आए थे वाराणसी में। उन प्रवासी भारतीयों से जब मैं बात करता था, मैंने पूछा भाई काशी में आपको कुछ परिवर्तन दिखा? प्रवासी भारतीय आया मेरे पास, उसने कहा साहब बाकी तो यहां पे प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो परिवर्तन तो दिखना ही है, चौड़े सड़कें चौड़ी हो गई हैं, काशी विश्वनाथ धाम में भी अच्छा कार्य प्रारंभ हो गया है। उस समय काशी विश्वनाथ धाम बना नहीं था, गंगा जी भी पहले से साफ सुथरी दिखाई रही है, सिटी भी साफ सुथरी दिखाई दे रही है, लेकिन खैर प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, सब चीजें दिखनी ही है। एक चीज जरूर चेंज मुझे देखने को मिला, मैंने कहा क्या? कहा साहब पहले हम आते थे पुलिस का व्यवहार बहुत रफ होता था, बहुत खराब होता था, इस बार तो हम देख रहे हैं कि जैसे ये पुलिस का आयोजन हो और पुलिस हमारा आतिथ्य, हमें अतिथि के रूप में आमंत्रित करके अतिथि देवो भव कर पुलिस के व्यवहार से हमें देखने को मिला है। ये और यही परिवर्तन मुझे प्रयागराज कुंभ 19 में भी देखने को मिला। पुलिस का व्यवहार कॉमन मैन के प्रति, श्रद्धालु के प्रति बहुत ही स्वागतपूर्ण और बहुत ही अच्छा था। कितना अच्छा मैसेज, 24 करोड़ श्रद्धालु पूरे देश भर का आया था, बहुत अच्छा मैसेज लेके गया था। ऐसे ही हमें आगे भी तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, इसी प्रकार तैयार करना पड़ेगा। अभी अयोध्या में भी जो लोग जा रहे हैं इस बात को कहते हैं पुलिस का व्यवहार, पहले दिन अचानक भीड़ हो गई, एसएसएफ ने और यूपी पुलिस ने उस दौरान मोर्चा संभाला था, डीजीपी को भी, प्रमुख सचिव गृह को भी भेजा था, अपने सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी वहां भेजाने का, भी जाके देखो थोड़ा क्या है। ये लोग गए और व्यवस्था को इतना अच्छा बना दिया, कोई आता है दर्शन करके आता है खुश होके जाता है, बहुत अच्छा हो गया, बहुत दर्शन कर लिया हम लोग। यानी उसके सेंटिमेंट का सम्मान करके थोड़ा भी आगे बढ़ा दे रहे हैं, वह व्यक्ति कितना अभिभूत होकर जाता है, देश के से भी आता है, 10 जगह जय जयकार करके जाता है कि साहब देखे बहुत अच्छा हो आज उस दिशा में। ऐसे ही कॉमन मैन के साथ हमारा व्यवहार थानों में, चौकियों में, सड़क पर चलते हुए किसी बेटी से, किसी व्यापारी के साथ हमारा व्यवहार ऐसे अगर होता है तो एक तरफ आपको संबल मिलेगा, दूसरी तरफ इस ताकत से आपको समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ लड़ने के लिए शक्ति प्राप्त होगी, और उस शक्ति के बल पर हम उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्य में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएंगे। मैं आज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूपी पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं। इसमें पुलिस की अवस्थापना के साथ साथ साइबर थानों का गठन एक नई क्रांतिकारी परिवर्तन का द्योतक होगा, इसे निरंतर आगे बढ़ाकर हमें निष्कर्ष रिजल्ट पे पहुंचना होगा। एक औपचारिकता नहीं है, ये रिजल्ट देने का एक माध्यम है, हमें उस रिजल्ट की तरफ जाकर के कॉमन की संतुष्टि का आधार हमें इसे बनाना ही होगा। इस दिशा में यूपी को और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ। इसके 5 ATS की यूनिट का शुभारंभ भी आज हो रहा है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। ये किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर अंकुश लगाने का एक सख्त माध्यम है। STF की भी कुछ यूनिट हम स्थापित करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, यह भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन माध्यम है। पर्यटन थाने, पुलिस की पर्यटकों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार और किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, इस दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हर एक क्षेत्र अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना प्रारंभ करेगा तो मुझे नहीं लगा है कि कोई समस्या फिर हमारे सामने रह पाती है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को
इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए, और जिन कार्यों का आज लोकार्पण हुआ है, जिनका शुभारंभ हुआ है या जिनका शिलान्यास हुआ है, इनके लिए बधाई देते हुए प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। इसका लाभ अंततः प्रदेशवासियों को और प्रदेश में आने वाले हर नागरिक को प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।